अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू एंग्लो उर्दू हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम। कक्षा 9, विषय हिंदी, पाठ 2, न्याय मंत्री। ये एक कहानी है जिसके लेखक है श्री सुदर्शन। आज हम इस पाठ का स्वाध्याय देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने इस पाठ को समझा था। आज हम इसके प्रश्नोत्तर की चर्चा करेंगे। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। देखिए बेटा, मैंने यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन और उसके साथ उसके आंसर्स भी दिए हुए हैं। आप लोगों को इस वीडियो को देखते हुए अपनी नोटबुक में इसके आंसर्स कंप्लीट करने होंगे। और लैंग्वेज सब्जेक्ट लिखने वक्त ये खास ध्यान रखिए कि आप लोगों की स्पेलिंग मिस्टेक ना हो और हैंडराइटिंग में खास इम्प्रूवमेंट करिए। नाउ प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर। पहला प्रश्न, शिशुपाल ने अपने घर का दरवाज़ा क्यों खोल दिया। तो देखिए, शिशुपाल के यहाँ कौन आता है? जो राजा सम्राट है वो आते हैं। शिशुपाल ने अपना घर शाम को अतिथि आश्रय के लिए आया देखकर घर का दरवाज़ा खोल दिया। प्रश्न 2 देखें तो प्रश्न 2 है, शिशुपाल किस अवसर की तलाश में था। अब देखें यहाँ पर शिशुपाल सच्चा न्याय कैसे दिया जाता है यह दिखाने के अवसर की तलाश में था। वो सच्चा न्याय किसे कहते हैं? वो दिखाना चाहता था, इस अवसर की वो तलाश में था। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, शिशुपाल सच्चा न्याय कैसे दिया जाता है यह दिखाने के अवसर की तलाश में था। नंबर 3 है हमारा, न्याय के विषय में शिशुपाल के क्या विचार थे। तो अब देखें, न्याय के विषय में शिशुपाल मानता था कि न्याय ऐसा हो कि कोई अपराध करने का साहस ना करे। शिशुपाल जो है उसके विचार बताने हैं, तो वो मानता था कि न्याय ऐसा होना चाहिए कि अपराध करने का साहस ना कर सके। नंबर 4 है, परदेशी कौन था, उसने दूसरे दिन क्या किया। उत्तर लिखेंगे, परदेशी सम्राट अशोक था। उसने दूसरे दिन सुबह उठकर शिशुपाल को धन्यवाद देकर उससे विदा ली। नंबर 5 की ओर चले हम, तो नंबर 5 है हमारा, सम्राट अशोक ने शिशुपाल को राजमुद्रा क्यों दी। उत्तर हम लिखेंगे, सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय मंत्री पद पर रखते हुए राजमुद्रा दी। नंबर 6 है हमारा, राज्य में न्याय के विषय में परिस्थितियों कैसे बदल गई। अब देखें, परिस्थितियां कैसे बदल गई। उत्तर लिखेंगे, शिशुपाल की नियुक्ति होते ही राज्य में शांति रहने लगी, किसी को कोई भय न रहा, ऐसी परिस्थितियां बदल गई। यहाँ पर परिस्थितियाँ लिखना है, परिस्थितियाँ बदल जाती है। नंबर 7 है, पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की स्थिति कैसी हो गई। उत्तर, पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की नींद उड़ गई और अपराधी का पता लगाने के लिए दिन रात एक कर दिए। नंबर 8, अपराधी का पता लगने पर शिशुपाल ने क्या किया। उत्तर हम लिखेंगे, जब अपराधी का पता लगता है तो अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने सम्राट अशोक को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। इसका उत्तर, ये 8 प्रश्न थे, इसके उत्तर आप लिखोगे। अब हम प्रश्न 2 की ओर चलते हैं। प्रश्न 2 है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों के विस्तार पूर्वक उत्तर लिखिए। अब देखिए, ये लॉन्ग आंसर्स है। उसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री की खोज कैसे की। तो उत्तर लिखेंगे, राज्य को अपराध मुक्त करने के लिए अच्छे न्याय मंत्री की ज़रूरत थी, तो सम्राट अशोक ने परदेशी का वेश धारण किया। अचानक शिशुपाल के घर पहुँचे, जो न्याय प्रेमी था। शिशुपाल को न्याय दिखाने का अवसर नहीं मिला था, सम्राट अशोक ने उसे अवसर दिया। उन्होंने हत्या के आरोपी सम्राट अशोक को मृत्युदंड देने की घोषणा की। उसने साहस और निष्पक्ष व्यवहार से सम्राट खुश हुए और इस तरह सम्राट अशोक ने सही न्याय मंत्री की खोज की। ये लॉन्ग आंसर हैं, आप लोगों को कंप्लीट अपनी बुक में करने हैं। नंबर 2 है हमारा, सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री का पद देते हुए शिशुपाल को क्या दिया।
अब देखिए यहाँ पर हमें सम्राट अशोक जब न्याय मंत्री का पद देते हैं तो वह शिशुपाल को उस वक्त क्या देते हैं वो लिखना है। हम इसका उत्तर लिखेंगे, सम्राट अशोक ने शिशुपाल को अपने दरबार में बुलाया। उन्होंने शिशुपाल से कहा कि मैं आपको न्याय करने का अवसर देना चाहता हूँ। शिशुपाल भी इस अवसर के लिए तैयार थे। वह जानकर सम्राट ने उन्हें न्याय मंत्री बनाया और पहचानने के लिए उसे राजमुद्रा दी। नंबर 3 है, सम्राट अशोक क्यों गदगद हो गए। देखिए सम्राट अशोक क्यों गदगद हो जाते हैं, इसका उत्तर हमें लिखना है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कि सम्राट अशोक ने देखा कि न्याय की कसौटी पर खरा उतरा था शिशुपाल। खुद सम्राट अशोक को अपराधी जानकर मृत्युदंड देने की घोषणा की। दंड देते समय जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। अपने अदम्य साहस व्यवहार से सम्राट का दिल जीत लिया। इस तरह न्याय मंत्री शिशुपाल को सफल होते देखकर सम्राट अशोक गदगद हो गए। देखिए शिशुपाल न्याय की अपनी कसौटी में खरे उतरते हैं और यही देखकर सम्राट अशोक गदगद हो जाते हैं। नंबर 4 है हमारा, न्याय मंत्री ने अपराधी सम्राट के जीवन की रक्षा किस प्रकार की। उत्तर आएगा, सम्राट अशोक ने राज कर्मचारी की हत्या की थी जिसे शिशुपाल ने उन्हें मृत्युदंड देने की घोषणा की थी। शास्त्रों में राजा को ईश्वर माना गया है, इसलिए उसे केवल ईश्वर ही दंड दे सकता है। दंड मतलब सजा। न्याय मंत्री ने सम्राट की जगह सोने की मूर्ति को फांसी पर लटकवा दिया। इस तरह न्याय मंत्री ने अपराधी सम्राट के जीवन की रक्षा की। चलिए नंबर 5 देखते हैं। नंबर 5 है हमारा, न्याय मंत्री निरुत्तर क्यों हो गए। अब देखिए नंबर 5 का आंसर हमें लिखना है। यहाँ पर न्याय मंत्री निरुत्तर क्यों हो जाता है। न्याय मंत्री जो है वो शिशुपाल है और शिशुपाल निरुत्तर कब हो जाते हैं, उन्हें ऐसा क्या कहा जाता है जिससे वह निरुत्तर हो जाते हैं। उत्तर आएगा, शिशुपाल न्याय के पद पर खरे उतरे थे। सम्राट ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो गए। लोगों ने भी जयकार की, परंतु शिशुपाल को लगा कि अब यह जिम्मेदारी उनसे नहीं संभाली जाएगी। उन्होंने राजमुद्रा सम्राट को वापस की, परंतु अशोक ने कहा कि न्यायपूर्ण व्यवहार से मेरी आंखें खोल दी है, यह जिम्मेदारी उनके सिवा कोई और नहीं संभाल सकता। सम्राट की यह बातें सुनकर न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए। निरुत्तर हो जाना मतलब जो कुछ कहा जाए उसके उत्तर में एक शब्द भी ना बोल पाना, उसे बोलते हैं निरुत्तर हो जाना। यहाँ पर जब सम्राट अशोक शिशुपाल को कहते हैं कि आप न्याय सही रीत से कर पाए हो और यह जिम्मेदारी आप ही उठा सकते हो, तब वह निरुत्तर हो जाते हैं। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित विधान कौन कहता है क्यों। अब देखें, पहला है यह मेरा सौभाग्य है। उत्तर, यह विधान शिशुपाल परदेसी युवक से कहता है क्योंकि शिशुपाल अतिथि का सत्कार करना अपना कर्तव्य समझता था। नंबर 2 है, दोष निकालना तो सुगम है परंतु कुछ कर दिखाना कठिन है। उत्तर लिखेंगे, यह विधान परदेसी युवक शिशुपाल से कहता है क्योंकि शिशुपाल उससे सम्राट अशोक के राज्य में हो रहे अन्याय की शिकायत करता है। नंबर 3, ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। उत्तर हम लिखेंगे, यह विधान शिशुपाल परदेसी युवक से कहता है क्योंकि परदेसी युवक उससे राज्य की अपराध मुक्त करने का वचन लेना चाहता है। नंबर 4 है, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो। अब देखिए ये वाक्य कौन किससे कहता है, इसका उत्तर हम लिखेंगे, शिशुपाल सम्राट अशोक से कहता है क्योंकि उसने पहरेदार की हत्या की थी। नंबर 5 है, महाराज
यह मुद्रा वापस ले ले, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। उत्तर लिखेंगे, यह विधान शिशुपाल सम्राट अशोक से कहता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह न्याय मंत्री की जिम्मेदारी नहीं संभाल पाएगा। नाउ अब हम प्रश्न चार की ओर चलेंगे। प्रश्न चार है हमारा, विरोधी शब्द दीजिए। परदेशी, पहला है परदेशी, तो परदेशी का विरोधी शब्द आएगा स्वदेशी। नंबर दो आदर, उत्तर लिखेंगे अनादर। नंबर तीन अपराधी, निरपराधी। नंबर चार सुप्रबंध, कुप्रबंध। नंबर पाँच गिरफ्तार, मुक्ति। नंबर छः स्वीकार, उसका अस्वीकार। नंबर पाँच, प्रश्न पाँच पर लिखेंगे समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द में पहला है अतिथि, उत्तर आएगा, अतिथि का उत्तर हम लिखेंगे मेहमान। नंबर दो सुगम, सुगम का उत्तर आएगा मुश्किल। नंबर तीन सॉरी नंबर चार हैरान, हैरान पर चकित। नंबर पाँच निस्तब्धता, उस पर शांति। और नंबर पाँच निरुत्तर पर खामोश। प्रश्न छः है सोच कर बताइए। तो प्रश्न एक, आप न्याय मंत्री होते तो क्या करते? मैं न्याय मंत्री होता तो शिशुपाल जैसा न्याय करता। नंबर दो सम्राट अशोक की आंखें किस कारण खुल गई? उत्तर लिखेंगे हम, क्योंकि शिशुपाल ने उसे दिखा दिया कि सच्चा न्याय किसे कहते हैं। नंबर तीन शिशुपाल ने के साहस की सम्राट अशोक ने क्यों प्रशंसा की? उत्तर लिखेंगे हम, क्योंकि खुद सम्राट को मृत्युदंड की सजा सुनाई, उसकी इस निष्पक्षता और साहस की सम्राट अशोक ने प्रशंसा की। प्रश्न सात, न्याय मंत्री के रूप में शिशुपाल को घोषित करते हुए सम्राट अशोक ने उसे राजमुद्रा दी, इसका अर्थ है? न्याय मंत्री के रूप में शिशुपाल को घोषित करते हुए सम्राट अशोक जब उसे राजमुद्रा देते हैं तो इसका क्या अर्थ निकलता है? तो उसका अर्थ निकलता है कि यह तुम्हारे न्याय मंत्री होने की पहचान है। न्याय मंत्री होने की पहचान राजमुद्रा से होती है, इसीलिए उन्हें जब सम्राट अशोक राजमुद्रा देते हैं और उनकी पहचान बताते हैं। यहाँ पर मैंने सारे प्रश्नों के उत्तर बताए हुए हैं, आप लोगों को भी अपनी नोटबुक में सारे क्वेश्चन आंसर्स लिख लेने हैं। इन क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से समझ लीजिए और अपनी नोटबुक में अच्छे हैंडराइटिंग में बिना स्पेलिंग की मिस्टेक किए कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जज़ाकअल्लाह।